यदि आप किसी ओवरलोड रिले को किसी कॉन्टेक्टर के साथ में कनेक्ट करने जा रहे हो तो कनेक्शन करने से पहले आपको ओवरलोड रिले को चेक करना होता है कि आपका ओवरलोड रिले सही है कि खराब है। अब ये जो ओवरलोड रिले, इस ओवरलोड रिले का बिना कनेक्शन किए यदि आपको चेक करना है तो इसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ता है मल्टीमीटर। तो मल्टीमीटर के द्वारा किस प्रकार से ओवरलोड रिले को चेक करेंगे, साथ ही साथ में जो हमारा ओवरलोड रिले है, इस ओवरलोड रिले का कुछ बेसिक डिटेल जो कि आपको नहीं मालूम है, सभी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जब भी मैं कभी ओवरलोड रिले पे वर्क करने जाता हूँ तो वर्क करने से पहले एक चीज़ मैं हमेशा ध्यान देता हूँ कि जो मेरे पास में ओवरलोड रिले है, इस ओवरलोड रिले का करंट रेटिंग कितना है, यानी कि रेंज कितना है। तो जैसे कि आप देखोगे इस ओवरलोड रिले में यहाँ पे एक डायल दिया गया है, इस डायल के ऊपर में आप देखोगे कुछ लिखा हुआ है। एक बार हम इसको पढ़ते हैं, आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है 17 और यहाँ पे 25, यानी कि आप कह सकते हो कि ये जो मेरे पास में ओवरलोड रिले है, इस ओवरलोड रिले का रेटिंग है 17 से लेके 25 एम्पियर। मोस्टली कंडीशन में मेरे साथ क्या होता है, जब भी मैं ओवरलोड रिले को कॉन्टेक्टर के साथ में कनेक्शन करने जाता हूँ तो करंट रेटिंग सेट करना भूल जाता हूँ और कनेक्शन करने के बाद सीधा चला जाता हूँ और मोटर को डायरेक्टली चालू कर देता हूँ। तो 2-3 बार मेरे से गलती होने के बाद मैं क्या किया कि जब भी मैं ओवरलोड रिले का इस्तेमाल करने जाता हूँ तो सबसे पहले मैं करंट रेटिंग को सेट कर देता हूँ। करंट रेटिंग सेट करने के लिए आपको यहाँ पे एक डायल मिल जाएगा, इस डायल के सामने आप देखोगे एक एरो है, इस एरो के सामने जो भी डिजिट रहेगा उतना एम्पियर करंट सेट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 17 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसमें अभी 17 एम्पियर करंट सेट किया गया है। अब मैं इसको रोटेट करके 21 एम्पियर करंट सेट कर दिया। ओके, अब ये जो ओवरलोड रिले, इस ओवरलोड रिले में आपको टोटल 6 पावर टर्मिनल मिलेगा, 3 पावर टर्मिनल तो ये हो गया और 3 पावर टर्मिनल आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा एक आपको एनो कॉन्टैक्ट और एक एनसी कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझना ज़रूरी है कि जो हमारा ओवरलोड रिले होता है, इस ओवरलोड रिले का जब कनेक्शन हम कॉन्टैक्टर के साथ में करते हैं और उस कंडीशन में जब आपका ओवरलोड रिले ट्रिप होता है तो आपका जो ओवरलोड रिले है, इस ओवरलोड रिले का जो एनो एनसी कॉन्टैक्ट होता है वो केवल चेंज होगा, जो इसका पावर कॉन्टैक्ट होता है पावर कॉन्टैक्ट चेंज नहीं होगा। जब आपका कॉन्टैक्टर चालू होगा तो पावर सप्लाई आपको इस पॉइंट पे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अब यदि आपका कॉन्टैक्टर ऑफ है तो पावर सप्लाई यहाँ पे नहीं आएगा, लेकिन जो हमारा ओवरलोड रिले होगा इसका जो पावर टर्मिनल होता है इसका आउटपुट पावर सप्लाई हमेशा आपको मिलता रहेगा, यानी कि यदि आपको यहाँ पे पावर सप्लाई मिल रहा है तो आउटपुट में भी आपको पावर सप्लाई मिलेगा। आपका जो ओवरलोड रिले होगा ट्रिप कंडीशन में केवल इसका एनो एनसी कॉन्टैक्ट ही चेंज करता है। ओके, अब इसके अलावा आप देखोगे यहाँ पे एक स्टॉप पुश बटन दिया गया है, इसके यहाँ पे साइड में एक टेस्ट बटन और यहाँ पे आप देखोगे लिखा हुआ है ऑटो और यहाँ पे एम, यानी कि ऑटो मैनुअल स्विच यहाँ पे एक दिया गया है। अब ये ऑटो मैनुअल स्विच कैसे काम करता है इसको मैं टेस्टिंग के समय एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, अब यदि आपको इस ओवरलोड रिले को चेक करना है तो आपको सिंपली क्या करना होगा, आपका जो मल्टीमीटर है इसको कंटिन्यूटी पोजिशन पे लगा दीजिएगा। उसके बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यूटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पोजिशन पे लगाने के बाद आपके मल्टीमीटर को एक बार चेक कर लीजिएगा, बीप का साउंड आ रहा है तो ओके है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो आपका पावर टर्मिनल है इस टर्मिनल को चेक करना होगा। तो आप क्या करिए, एक टर्मिनल के साथ मल्टीमीटर का प्रोब कनेक्ट कर दीजिए, अब इसी टर्मिनल का जो आउटपुट होगा उसके साथ मल्टीमीटर के दूसरे प्रोब को कनेक्ट कर दीजिए, आपको यहाँ पे कंटिन्यूटी मिलना चाहिए। हमें यहाँ पे कंटिन्यूटी मिल रहा है, सेकेंड टर्मिनल चेक करते हैं कंटिन्यूटी मिल रहा है, तीसरा टर्मिनल चेक करते हैं यहाँ पे भी हमें कंटिन्यूटी मिल रहा है, यानी कि जो हमारा पावर टर्मिनल है ये ओके है। तो इस ओवरलोड रिले का पावर टर्मिनल ओके है। अब यहाँ पे आपको एनो एनसी कॉन्टैक्ट को चेक करना होगा। तो जैसे कि आपको मालूम है जो एनो कॉन्टैक्ट होता है उसमें आपको कोई भी कंटिन्यूटी नहीं मिलना चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको लगा देता हूँ। सॉरी, इसका जो एनो कॉन्टैक्ट है यहाँ पे मैंने मल्टीमीटर के प्रोब को लगा दिया, आप देख सकते हो यहाँ पे कोई भी कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है। एनो कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल ट्रिप इंडिकेशन के लिए किया जाता है। अब मैं एनसी कॉन्टैक्ट पे इसको लगाऊंगा तो आपको यहाँ पे कंटिन्यूटी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, आप देख सकते हो हमें कंटिन्यूटी मिल रहा है। ओके, अब यहाँ पे जो आपका एनसी कॉन्टैक्ट है इस पे लगा के आपको 2-3 चीज़ें चेक करना होगा। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ।
ओके अब यहाँ पे जो स्टॉप पुश बटन है इसको यदि मैं प्रेस करूँ तो आप देखोगे बीप का आवाज़ बंद हो जाएगा। आप देख सकते हो बीप का साउंड चला गया, इसको रिलीज करते ही बीप का साउंड आ गया। यानी कि स्टॉप पुश बटन को प्रेस करने के बाद आपका जो यहाँ पे एनसी कॉन्टैक्ट है वो ब्रेक होना चाहिए। इस बटन के द्वारा आप कॉन्टैक्टर को ऑफ भी कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे जो एनसी कॉन्टैक्ट है इसी के साथ में आपके मल्टीमीटर के प्रोब को कनेक्ट करके आपको यहाँ पे टेस्ट वाले बटन को भी प्रेस करना होता है। तो ये जो टेस्ट वाली बटन है इसको मुझे स्लाइड करना पड़ेगा इस साइड में, तो इसको मैं यहाँ पे करता हूँ। आप देखोगे यहाँ पे बीप का साउंड चला गया, यानी कि जो हमारा ओवरलोड रिले है ओवरलोड रिले अभी ट्रिप कंडीशन में चला गया। आप देख सकते हो मल्टीमीटर हमारा कोई भी कंटिन्यूटी नहीं शो कर रहा है। ओके अभी के टाइम पे आप देखोगे जो हमारा टेस्ट वाला बटन था इसको हमने रिलीज भी कर दिए तो अभी एनसी कॉन्टैक्ट ओपन शो कर रहा है। तो इस ओवरलोड रिले को यदि आप रिसेट करना चाहते हो तो रिसेट वाले बटन को प्रेस करना पड़ेगा, तो आपका जो ओवरलोड रिले का एनसी कॉन्टैक्ट है वो रिसेट हो जाएगा। दोबारा इसको मैं कर देता हूँ एक बार, आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा ओवरलोड रिले ट्रिप कंडीशन में चला गया। ओके अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता रहा था कि ये जो रीसेट वाली स्विच है इसमें यहाँ पे ऑटो मैनुअल लिखा हुआ है, इसका काम क्या होता है? तो देखिए यदि मैं इसको केवल यहाँ पे प्रेस करूँगा तो मैनुअल रीसेट होगा, लेकिन यदि आप इस स्विच को इस तरफ रोटेट कर दोगे, जैसे कि मैं यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर को लगा के इसको इस साइड रोटेट कर दिया यानी कि ऑटो पोजिशन सेलेक्ट कर दिया, तो इस कंडीशन में क्या होगा, यदि आपका ओवरलोड रिले ट्रिप होता है तो ऑटोमेटिकली रिसेट हो जाएगा, यानी कि आपको आके दोबारा इसको प्रेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जैसे ही आपके ओवरलोड रिले से करंट ज़्यादा फ्लो होना स्टार्ट होगा ये ट्रिप हो जाएगा, और जैसे ही करंट फ्लो होना कम हो जाएगा यानी कि जितना एम्पियर आपने सेट किए हो उससे कम एम्पियर करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा तो ये ऑटोमेटिकली रिसेट हो जाएगा। तो जब भी आप कभी आपका जो ओवरलोड रिले इसका कनेक्शन करने जाती हो तो इसका भी ध्यान दीजिएगा कि आपका जो ओवरलोड रिले इस ओवरलोड रिले को आपको मैनुअली रिसेट करना है या ऑटोमेटिकली रिसेट करना है। मोस्टली कंडीशन में हम ओवरलोड रिले को मैनुअल रिसेट पे रखते हैं जिससे कि हम इसको प्रेस करके रिसेट करें। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पे जो पावर टर्मिनल इसको भी आप मूवमेंट करवा सकते हो इस प्रकार से, यानी कि जब आप इसको कॉन्टैक्टर के साथ में कनेक्ट करने जाते हो तो आपका जो कॉन्टैक्टर का पावर टर्मिनल है उसके अकॉर्डिंग आप इसका मूवमेंट करके कनेक्शन कर सकते हो। यानी कि प्रॉपर कनेक्शन करने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट करवाना पड़ता है कि आपका जो पावर टर्मिनल है उसके साथ ये मैच होता है कि नहीं होता है। ओके तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।